सिवनी जिले के लखनादौन स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में विगत दिवस मंगलवार को एक छात्र के बदले दूसरा युवक फर्जी तरीके से परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। उक्त मामले पर अब गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रबान ककोड़िया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस कृत्य को निंदनीय बताया एवं महाविद्यालय की घोर लापरवाही बताते हुए आगामी समय में छात्र संगठन GSU के बैनर तले आवाज उठाने की बात कही है। आपको बता दें कि विगत दिवस मंगलवार को BA द्वितीय वर्ष की परीक्षा में विद्यार्थी देवेंद्र राजपूत के स्थान पर अन्य युवक सौरभ गोल्हानी परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था। मेरा नाम चंद्रमन ककुड़िया है, मैं GSU वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में पदस्थ हूँ। जो जानकारी हमें कॉलेज से मिली है वो बहुत ही लापरवाही है, घोर लापरवाही महाविद्यालय के द्वारा बरती गई है। इससे पूर्व में भी हमने महाविद्यालय को जो लापरवाही बरती जा रही थी उसके बारे में अवगत कराया था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुधार देखने को आया नहीं है। जबकि उस महाविद्यालय में 4-5 प्यून हैं जिनको गेट बाय गेट में ड्यूटी लगाना चाहिए, ड्यूटी लगाते तो हैं लेकिन किन चीज़ों को वो चेक करते हैं, किन चीज़ों को चेक नहीं करते, इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं। बल्कि और जो छात्र जरूरतमंद छात्र रहते हैं महाविद्यालय जाने के लिए और उनको प्रवेश नहीं देने देते, इस प्रकार से जो परीक्षा में लापरवाही बरती गई है, गैर विद्यार्थी ने जो वहाँ पर परीक्षा हॉल में जाके बैठकर परीक्षा दी है वह बहुत ही निंदनीय है। इसमें जहाँ तक पूरे महाविद्यालय स्टाफ की घोर लापरवाही रहेगी, हम इस चीज़ को जल्द ही GSU के माध्यम से आवाज़ उठाएंगे। इस तरीके से लापरवाही बरतने का खामियाजा महाविद्यालय को भुगतना पड़ेगा।